चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आपकी छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की हमसे अगर फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा आपका नाम और लिख देना छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग। आपकी एक तो सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, एक 8:30 बजे क्लास चल रही है और ये बीएससी नर्सिंग की डेली ये क्लास चल रही है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। ये 3 क्लासें आपको ज्वाइन होना है। अब आपकी 1 तारीख से शाम को 5 बजे भी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको 9 बजे वाली, 5 बजे वाली और 8:30 बजे वाली और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 4 क्लास डेली आपको ज्वाइन करना है। ये क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो मैसेज कर देना कि सर हमें फ्री क्लास में ऐड कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 15 क्वेश्चन करवा लिए थे, अब हम करेंगे 16 क्वेश्चन। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? बताइए। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। कौन कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि। पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि, अंकुरण, उबालना, पीसना या गीला करना। पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि जो होती है वो अंकुरण करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वस्थ और सुशोषित माता के शिशु का वजन कितना होता है? स्वस्थ और सुशोषित माता के शिशु का वजन कितना होता है? वेरी वेरी गुड, 3.5 किलोग्राम। स्वस्थ और सुशोषित माता के शिशु का वजन। गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा होगा? वेरी वेरी गुड, नवजात शिशु के रक्त स्त्राव का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो सकती है, हो तो उसे क्या कहते हैं? भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगी? धनात्मक नाइट्रोजन, ऋणात्मक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन संतुलन या इनमें से कोई नहीं, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन संतुलन। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? कार्बोज के पाचन में माल्टेज और सुक्रोज, ये दोनों होते हैं। कार्बोज के पाचन में माल्टेज और सुक्रोज, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेटलेट की कमी से होता है डेंगू रोग। कौन सा होता है? डेंगू। और इसके उपचार के लिए क्या खाया जाता है? एक तो कीवी, कीवी बोलते हैं डॉक्टर के, कीवी खाओ जिसको डेंगू, और एक बोलते हैं पपीता के पत्ते का जूस। ये दोनों पीते हैं तो आपको डेंगू से छुटकारा मिलता है। जिसको डेंगू रोग हो जाता है उसको पपीता के रस पीना पड़ता है, पपीता के पत्ते का जूस और एक कीवी। संक्रामक रोग से बचाव का मुख्य उपाय, संक्रामक रोग के बचाव का मुख्य उपाय कौन सा है? टहलना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार लेना या टीका लगवाना। तो संक्रामक रोग से बचाव का मुख्य उपाय जो होगा वो टीका लगवाना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण का प्रमुख घटक जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। रिक्त स्थान की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी? किसकी कमी से? वेरी वेरी गुड, विटामिन की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कौन अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग कौन सा है? काली खांसी, हीमोफिलिया,
हीमोफीलिया, एनीमिया या प्लेग कौन अनुवांशिक रोग हैं? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व, हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व, वेरी वेरी गुड। हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व होता है आयरन। क्या होता है? आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व होता है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग, कुपोषण के कारण होने वाला रोग, क्वाशियोकर, क्षय रोग, टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं। कुपोषण के कारण होने वाला रोग जो हो जाएगा वो क्वाशियोकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोकर। कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्वाशियोकर। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है बताइए? 29। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? एक वयस्क महिलाओं की प्रोटीन की आवश्यकता, वेरी गुड। एक वयस्क के लिए 55 ग्राम प्रतिदिन, 55 ग्राम प्रतिदिन। गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा होती है 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। वायु द्वारा फैलने वाला रोग, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वायु के द्वारा फैलने वाला रोग जो हो जाएगा वो आपका चेचक हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन जो है 1983 में किया गया था, 1983। किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू, खसरा, टीबी, काली खांसी। किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? वेरी वेरी गुड। डेंगू इस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है? प्रसव हेतु कौन सी? एससी महिला हेतु, एसी महिला हेतु केवल एसटी, एसटी एसी एसटी महिला हेतु, ठीक है। प्रसव गर्भावस्था के बाद एसी एसटी महिला हेतु ये सुविधा उपलब्ध है। चलिए, ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली हमसे अगर फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपकी इसी चैनल पर सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे क्लास हो रही है बायोलॉजी जियोलॉजी की, शाम को 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री की होगी, रात को 8:30 बजे डेली क्लास हो रही है और एक प्रैक्टिस सेट डेली आ रहा है, ठीक है। तो जिनको जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।